नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमोलिट क्रीम का। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे इस क्रीम का क्या उपयोग है, किस काम के लिए क्रीम को यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ जानेंगे ये क्रीम काम कैसे करता है और इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है ये मैकलॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट में से एक है। दोस्तों, ये जो क्रीम है ये मार्केट पे 30 ग्राम का पैकिंग में आता है, जिसका कीमत लगभग 137 रुपये से लेके 140 रुपये के आसपास। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड के बारे में। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसका कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड जैसा है पिलो रूट क्रीम, पिलो गो प्लस क्रीम एक्सेट्रा, इसका अल्टरनेटिव ब्रांड है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इस क्रीम के यूजेस के बारे में। दोस्तों, ये जो क्रीम है ये पाइल्स यानी कि बवासीर यानी कि मुड़ियात को बीमारी को ठीक करने के लिए ये दवाई का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा जान लेते हैं पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी के बारे में। इस विषय पे मैं बाद में एक कंप्लीट वीडियो डालूंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा कि बवासीर और मुड़ियात क्या होता है। फिलहाल थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं बवासीर और मुड़ियात होता क्या है। दोस्तों, बवासीर यानी कि पाइल्स के बीमारी में पेशेंट को संडास के रास्ते से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा दर्द और सूजन चालू हो जाएगा। साथ ही साथ जो मांस का टुकड़ा बाहर निकल जाता है उससे बहुत ज़्यादा खून निकलना चालू हो जाता है। इसी को दोस्तों मुड़ियाद यानी कि पाइल्स यानी कि बवासीर कहते हैं। आगे किसी और एक दिन इसके लिए कंप्लीट वीडियो डालेंगे, जिसमें आप लोगों को ठीक से समझा पाऊंगा कि पाइल्स होता क्या है। चलिए दोस्तों, आगे जान लेते हैं इसका अंदर के पैकिंग के बारे में थोड़ा सा, कि ये जो क्रीम है अंदर से दिखता कैसा है। दोस्तों, यह जो क्रीम है अंदर से ऐसे एक ट्यूब आता है, साथ में एक एप्लीकेटर रहता है जो इसके सामने लगा के मुड़ियाद या फिर पाइल्स के जगह लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका कॉम्पोजिशन यानी कि कंटेंट के बारे में। दोस्तों, ये 6 कंटेंट से ये दवाई बनाया गया है, जिसका पहले कंटेंट है ट्रॉक्सीरूटीन, कैल्शियम डोबेसिलेट, जिंक, फिनलेफेरिन, लुग्निकेन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन। इस वीडियो में हम लोग आगे जान लेते हैं ये जो दवाई है ये काम कैसे करता है। दोस्तों, जैसे कि पहला 2 कंटेंट ट्रॉक्सीरूटीन एंड कैल्शियम डोबेसिलेट, ये दोनों वैसो प्रोटेक्टिव दवाई है, जो कि इन्फेक्टेड एरिया के स्थान पे जो खून का नली होता है उसको मजबूती दिलाता है, यानी कि दोस्तों ये ब्लड वेसल्स को मजबूत करता है। दोस्तों, इसका जो तीसरा कंटेंट है जिंक यानी कि जिंक ऑक्साइड, ये एक एस्ट्रिजेंट और एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। इसका जो चौथा कंटेंट है फिनलीफेरिन, जो कि एक डिकॉन्जेस्टेंट है, जो सूजन तथा खून की जो नली है यानी कि ब्लड वेसल्स है उसको सिकोड़ देता है, जिसके कारण से पाइल्स का जो खुजली और जो जलन वो दोनों कम हो जाता है। इसके बाद का जो कंटेंट है लुग्निकेन, जो कि एक एनिस्थेटिक है, जो नसों के अंदर से दर्द की सिग्नल को भेजना बंद कर देता है, जिसके कारण से दर्द कम होना चालू हो जाता है। और दोस्तों, सबसे आखिर में जो हाइड्रोकोर्टिकोसिन है ये एक स्टेरॉयड मेडिसिन है, ये लाली आना, खुजली और सूजन को कम कर देता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका डोजेस के बारे में। दोस्तों, ये जो दवाई है ये बिना डॉक्टर का सलाह के अलावा ना ले, खुद से प्रयोग ना करे। ये दवाई लेने से पहले जरूर से जरूर डॉक्टर का सलाह जरूर ले। दोस्तों, जो दवाई है ये सुबह शाम 2 टाइम पाइल्स में यानी मुड़ियत के जगह पे यानी कि इन्फेक्टेड एरिया पे लगाया जाता है।
चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों ये जो क्रीम है ये इससे बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट देखा नहीं गया, फिर भी ये दवाई के इस्तेमाल से इन्फेक्टेड एरिया पे बर्निंग यानी कि जलन जैसा महसूस होना, इरिटेशन और खुजली भी महसूस होना, ऐसा कुछ साइड इफेक्ट इसके अंदर देखा गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, कुछ जानकारी मिला, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और वीडियो मैं आगे आप लोगों के लिए ला पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।